मध्य प्रदेश के रीवा राज घराना उन चुनिंदा राज परिवारों में से एक है जिसका इतिहास 500 वर्षों से भी पुराना है। रीवा राज घराने से जुड़ी एक कहानी बेहद प्रचलित है। इतिहासकार असद खान बताते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में रीवा ही एक ऐसा राज्य है जहां राजा सेवक की भूमिका में रहकर राज्य का संरक्षण करता है। रीवा राज परिवार के सदस्य और यहां के राजा कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठते थे। वह खुद को एक कार्यकारी और सेवक राजा मानते थे। आज भी यहां के राजा गद्दी के सामने जमीन पर बैठते हैं। इतिहासकार असद खान ने बताया कि रीवा के राजघराने के लोग लक्ष्मण जी को अपना राजा मानते हैं, उन्हें ही सिंहासन पर बैठाते हैं और गद्दी में बैठाकर लक्ष्मण जी की राजाधिराज के रूप में पूजा करते हैं और खुद दशहरा के अवसर पर गद्दी पूजा के दौरान सिंहासन के सामने जमीन पर बैठते हैं। इतिहासकार असद खान ने बताया कि ऐसा केवल रामायण में ही हुआ है, जब श्री राम के भाई भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन में विराजमान कर खुद को उनका सेवक मानकर राज्य का संचालन किया था। भरत सिंहासन का सेवक मानकर खुद को कार्यकारी राजा मानते थे। इसी तरह रीवा राज परिवार के लोग लक्ष्मण जी को ही अपना राजा मानते हैं और गद्दी में उन्हें विराजित करते हैं और खुद सेवक की भूमिका में रहकर राज्य का संचालन करते हैं। राजघराने के सदस्यों का मानना है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी उनके कुल देवता हैं। भले ही यहाँ के राजा कभी गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन उनकी राजशाही ठाट बाट आज भी कायम है। इस रियासत की 450 वर्ष पुरानी ये परंपरा है कि राजगद्दी पर राजाधिराज भगवान को गद्दी पर बैठाया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। इस ऐतिहासिक परंपरा का निर्वाह आज भी यहाँ के राज परिवार के सदस्य करते हैं। इतिहासकार असद खान ने बताया कि महाराज बाघ्रवेश ने राजगद्दी पर लक्ष्मण जी के साथ भगवान विष्णु को विराजमान किया था, तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। दशमी के पर्व पे रीवा नरेश गद्दी पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन जो राज सिंहासन है बघेलों का, बघेल नरेशों का, उसमें कभी भी कोई राजा उसमें बैठे नहीं। उनके कुल देवता लक्ष्मण जी हैं। उनका मानना यह है रीवा नरेशों का, मतलब 1298 से जब इनका राज्य कायम हुआ, तब से लेकर आज तक कोई महाराज उसमें नहीं बैठे। और विजयदशमी के अवसर पर जब गद्दी की पूजा होती है, उसमें उनके कुल देवता विराजते हैं और जो रीवा नरेश हैं उन्हीं के सामने वो जमीन पर बैठते हैं। जमीन में गद्दी बिछा दी जाती है तो उसमें बैठते हैं। और बघेल नरेशों का ये मानना रहा है कि ये जो गद्दी है ये हमारे कुल देवता की है और हम उनके सेवक हैं। तो ये जो रीवा महाराज रहे हैं आज तक ये सेवक के तौर पर अपनी प्रजा के लिए समर्पित रहे हैं, उनकी सेवा करते रहे हैं, लेकिन गद्दी पे कभी नहीं बैठे। ये 1298 से लेकर आज तक कोई भी राजा उसमें नहीं बैठे, इसका इतिहास है। गद्दी में वो तो चांदी का सिंहासन है, बड़ा भव्य सिंहासन है, और सिंहासन में इनके जो इनका जो चिन्ह है मोनो है, वो बाघ है, व्याघ्र बाघ। तो व्याघ्र दोनों तरफ हैं, भव्य इनकी गद्दी है, उसमें लक्ष्मण जी बैठते हैं, पालकी में बैठते हैं और उनको वहां पर पंडित पुजारी मंत्रोच्चार के साथ विराजते हैं। और फिर जब ये गद्दी पूजन होती है तो महाराज उनके सभासद जो होते हैं और उनके निकट परिवार के लोग होते हैं, तो नीचे बैठकर पंडित जो होते हैं, 8-10 पंडित होते हैं जो मंत्रोच्चार के साथ पूजा करते हैं, भगवान सिंहासन विराजमान होते हैं। हाँ, लक्ष्मण जी की राजाधिराज के तौर पर पूजा होती है और उनकी जो मंदिर है वो 2662 फीट की ऊंचाई पर बांधवगढ़ के पहाड़ी पे उनका मंदिर है। और जो ये बघेलों की जो गद्दी पूजन की प्रथा है, हिंदुस्तान में ऐसी और कहीं आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि राजा नीचे बैठे और भगवान उनके गद्दी में बैठे। ऐसा हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, वो केवल रीवा में और सिर्फ रीवा में होता है।